दोस्तों आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको एटीएम इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं आता है। सो आज की इस वीडियो सिर्फ स्पेशल उन लोगों के लिए है जिनको एटीएम यूज़ करने नहीं आता है। इस वीडियो में एटीएम यूज़ करने का प्रोसेस सिंपल बताया गया है, जिसे आप देखकर आसानी से एटीएम से पैसा निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको आपका एटीएम कार्ड आपको इस टाइप के ग्रीन में डालना होगा, वो भी आपके चिप के साइड से आपको इसको अंदर डालना होगा। इसके बाद एटीएम आपकी डिटेल्स को रीड करेगा और 2 से 5 सेकंड तक आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन शो करेगा, जिसके लिए आपको आपकी लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। अगर आपको हिंदी आती है तो यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको अपना एटीएम का पिन डालना होगा, जो कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले एटीएम का पिन इंटर करेंगे। एटीएम का पिन इंटर करने के बाद आप यहां पे जस्ट स्क्रीन पे दिया हुआ है कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आपको मोबाइल बैंकिंग करना है तो मोबाइल बैंकिंग पे क्लिक करेंगे। पिन चेंज करना है वहां क्लिक करेंगे। अगर आपको बैलेंस इंक्वायरी करना है तो यहां पे क्लिक करेंगे। चूंकि हमें कैश विड्रॉल करना है इसलिए हम कैश विड्रॉल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, अगर सेविंग है तो सेविंग, करेंट है तो करेंट पे, यहां पे सेविंग पे हमने चूज़ कर लिया। इसके बाद आपको जितना भी बैलेंस चाहिए आप जस्ट क्लिक करेंगे कि आपको कितना बैलेंस चाहिए। इसके बाद यस पे करेंगे। यस पे करने का मतलब कि आपको विड्रॉल की स्लिप भी चाहिए, तो आप यस करेंगे। इसके बाद आप मनी के निकलने का, पैसे के निकलने का इंतज़ार करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा यहां से कैश आ जाएगा, जिसके लिए ये जस्ट ओपन होगा और यहां से मेरा कैश आ चुका है, जो कि मैंने कलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं योर कैश थैंक यू ऐसे करके एक मैसेज आ रहा है। इसके बाद हम जस्ट यहां से अपना कार्ड निकाल लेंगे और इसके बाद आप चाहे तो यहां पे आप कैंसिल कर सकते हैं। तो एटीएम को यूज़ करना आपने सीख लिया, ये बहुत ही सिंपल है।